पीएम मोदी ने ट्वीट कर भगत सिंह को उनकी 110वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं वीर भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। उनकी महानता और साहस भारत की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जन्म 1907 में फैसलाबाद जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पड़ोसी देश के पंजाब प्रांत में है। आपको बता दें कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को 23 साल की उम्र में शिवराम हरि राजगुरु और सुखदेव थापर के साथ लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। सबसे बड़ी बात तो यह कि उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था। वहीं उनके इस बलिदान से देश के नागरिकों को उन पर गर्व भी था। यहां हम आपको बता दें कि जब भारत ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था, तो उस दौरान ब्रिटिश सरकार लोगों पर काफी अत्याचार करती थी, उन्हें कड़ी यातनाएं देती थी। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए भगत सिंह और उनके अन्य साथियों ने ब्रिटिश हुकूमत से देश को आजाद कराने की ठान ली और अंत तक लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने देश को आजाद करवा दिया। SPN9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।